जय हिंद जय भारत। आज आपके सामने मगध ज्ञान केंद्र लेकर आ रहा है ट्रांसलेशन सीरीज पार्ट वन। तो इसमें देखेंगे क्या, कोई भी वाक्य का यदि हम अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो देखना क्या होता है सबसे पहले उसमें, कि वो वाक्य एक्टिव में है या पैसिव में है। एक्टिव और पैसिव में देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उस वाक्य का वर्ब यानी क्रिया का फॉर्म क्या होगा, एक्टिव होगा या पैसिव होगा। तो जैसे कुछ वाक्य लिए हैं, थोड़ा सा इस पे नजर डालिएगा, घोड़े सब जगह मिलते हैं या घोड़े सभी जगह पाए जाते हैं। अब देखना क्या है कि घोड़े पाए जाते हैं तो क्या ये एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो भी देखिए मेरे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का डेफिनेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हम इस पे बताएंगे, घोड़ा खुद नहीं पाया जाता है, घोड़े को हम लोग देखते हैं कि हाँ यहां घोड़ा है। घोड़ा को पाता कौन है, हम पाते हैं, हमें मिलता है घोड़ा, हमें घोड़ा दिखता है। घोड़ा का इसमें कोई रोल नहीं है। जो एक्शन हो रहा है मिलने वाला, मिलता किसे है जी, मुझे मिलता है, घोड़ा तो दिख जाता है। तो ये वाक्य में जो एक्शन है मिलना, ये इसमें घोड़ा का कोई रोल नहीं है। घोड़ा सपोज करो जंगल में रहेगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब कि जो मिलने का एक्शन है उसमें घोड़ा का कोई रोल नहीं है। इस वाक्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दूसरा वाक्य हम लेते हैं। यह सबको मालूम है, यह सबको मालूम है, तो मालूम होने में यह का कोई रोल नहीं है। ऐसे भी ये निर्जीव है, निर्जीव वाले में तो समझ में आ रहा है, मालूम में मुझे मालूम रखना है, सबको मालूम रखना है। उसका जन्म 1993 में हुआ तो उसका जन्म लेने में कोई रोल नहीं है। किसी व्यक्ति को जन्म लेने में कोई रोल नहीं है। उसे सजा मिलेगी तो सजा मिलने में उसका कोई रोल नहीं है। वो तो सजा खाएगा, चोटिल होगा, पनिश जो भी होगा। बहुत लोगों को चोटें आई, अब चोट खाने में ये बहुत लोगों का कोई रोल नहीं है, खुद से चोट नहीं खाया। तो कहता क्या है कि जब वाक्य के क्रिया को, जब वाक्य के क्रिया को करने में सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, करने में यानी कि जब वाक्य का क्रिया को सब्जेक्ट ना करे तो वैसे वाक्य पैसिव में होता है। इसी बात को समझना है फिर से, कि जब क्रिया का फल सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, सब्जेक्ट ना करे, सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, तो उसे हम पैसिव वॉइस में रखते हैं। ये सारे ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में बनेंगे। जैसे घोड़े सब जगह मिलते हैं, हॉर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर। यह सबको मालूम है, इट इज Known to all, ये सभी प्रेजेंट एंड डेफिनिट के पैसिव में ये बने। उसका जन्म 1993 में हुआ, ये पास्ट एंड डेफिनिट का पैसिव बनेगा। He was born in 1993, उसे सजा मिलेगी, ये फ्यूचर एंड डेफिनिट का पैसिव हो गया। He will be punished. बहुत लोगों को चोटें आई, a lot of people आई, चोटें आई, ये पास्ट एंड डेफिनिट वर्ब। A lot of people were injured या a lot of people were hurt, तो अभी हम इसको लिख के बता देते हैं। तो देखेंगे, हॉर्स घोड़े सब जगह मिलते हैं, हॉर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर, यह सबको मालूम है, इट इज नोन टू ऑल। उसका जन्म 1993 में हुआ, He was born in 1993, उसे सजा मिलेगी, He will be punished, बहुत लोगों को चोटें आई, A lot of people were injured or hurt. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।